अफसरनामा में इस बार बात करेंगे एक ऐसे अधिकारी की जिनका मेडिकल एजुकेशन में योगदान हमेशा याद किया जाएगा। जी हाँ, 1985 बैच के IAS अधिकारी धनपत सिंह के बारे में। बड़ी जिम्मेवारी है, ACS हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के। जी हाँ, अफसरनामा में हम बात कर रहे हैं धनपत सिंह जी, IAS अधिकारी हैं 1985 बैच के और बड़ी जिम्मेवारी है, ACS हैं ट्रांसपोर्ट विभाग के। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल यही है कि इस जिम्मेवारी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं आप ट्रांसपोर्ट के। मैं सरकार के स्तर पर ट्रांसपोर्ट विभाग का काम देखता हूँ। इसमें हमारे दो विंग हैं, एक जो कमर्शियल या जिसको स्टेट ट्रांसपोर्ट या आम भाषा में हरियाणा रोडवेज कहते हैं, जिसमें हमारा लगभग 4,000 बसों का बेड़ा है और तकरीबन 20,000 से ऊपर हमारे पास कर्मचारी हैं, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर मेनली हैं, सुपरवाइजरी स्टाफ है और बाकी वर्कशॉप और ऑफिस का स्टाफ है। तो रोज़ाना तकरीबन 11-12 लाख लोग हरियाणा रोड की बसों में सफ़र करते हैं, न केवल पूरे हरियाणा में बल्कि आसपास के जो स्टेट्स हैं उनमें भी। हमारी बसें कुल्लू मनाली रोहतांग पास तक उधर तक जाती हैं, हिमाचल में, इधर यूपी में मुरादाबाद हल्द्वानी उधर तक जाती हैं, उत्तराखंड में जाती हैं और ग्वालियर तक मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जयपुर, अजमेर वगैरह में हमारी बसें जाती हैं। तो आम जनता के लिए ये एक सुलभ और सस्ता साधन है। 85 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से दर हमारा किराए की दर है, जो पूरे देश में सबसे कम है। तो एक तो वो कमर्शियल विंग या जो हरियाणा रोडवेज हो गया, दूसरी तरफ रेगुलेटरी विंग यानी नियामक जो हम नियमन करते हैं, जो हरियाणा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो बने हुए हैं उनको लागू करने के लिए, तो जिसमें अनऑथराइज्ड व्हीकल्स हैं या जो ओवरलोडेड व्हीकल्स हैं उनकी चेकिंग है, व्हीकल्स की पासिंग है, जो हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं, दूसरे आम जनता के जो प्राइवेट व्हीकल जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार हैं उनके लाइसेंसिंग हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन है, ये सब उसमें आता है। तो सर ने बताया 20,000 कर्मचारी आते हैं सर के देख रेख में, जो पूरा काम देखते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा सुलभ ट्रांसपोर्टेशन है उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन सर, जिस तरह से बात की, सस्ता तो है लेकिन सुरक्षित भी है। अमूमन ये हादसों की, रोडवेज की, बसेस के और इस तरह की भी शिकायतें आती हैं कि आपके जो कर्मचारी हैं वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं। उनको इस तरह की चीज़ों को इंश्योर करने के लिए क्या कुछ किया जाता है विभाग की तरफ से? देखिए, जब 4,000 बसें लगभग रोज़ दौड़ेंगी सड़कों पे और 10-12 लाख सवारियों को रोज़ लेके निकलेंगी, तो स्वाभाविक है कि कुछ दुर्घटनाएं जितनी मर्जी प्रिकॉशन रखो हो सकती हैं। तो उसके लिए एक तो ड्राइवर्स के बिहेवियर में चेंज के लिए हमने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से हमने उनकी एक बिहेवियरल ट्रेनिंग का एक बीड़ा हमने चलाया हुआ है, ताकि उनको बताया जाए कि रैश ड्राइविंग की वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, तो रैश ड्राइव से कैसे बचें। और दूसरा यह है कि आमतौर पे शिकायत आती है कि ख़ासतौर पे वृद्ध या महिला सवारी है तो कंडक्टर्स, कई बार वो हरियाणवी बोली भी ऐसी है कि वो दुर्व्यवहार की शिकायतें आती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि GMs को समय समय पर हर मंथली मीटिंग में भी कहते हैं और वो भी अपनी मीटिंग जो स्टाफ के साथ करते हैं उसमें कि सवारियों के साथ हमें तमीज़ से पेश आना चाहिए, हम उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे, हमारी रोज़ी रोटी उनकी वजह से चलती है ना कि उनकी रोज़ी रोटी हमारी वजह से। और अब जनता में जागरूकता भी है और मेरे पास भी आए दिन फ्रेश डाक में रोज़ दो चार कंप्लेंट इस तरह की आती है और हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो जैसे एक वृद्ध सज्जन थे जो हमारी बस में ट्रेवल कर रहे थे, रतनलाल जोशी जी, उनकी शिकायत मेल के माध्यम से मेरे पास आई जिस पे उनका ईमेल एड्रेस और मोबाइल भी दिया हुआ था, और शिकायत हिसार रोडवेज के डिपो से संबंधित थी, रमेश कुमार कंडक्टर के। तो मैंने तुरंत व्हाट्सएप पे वो शिकायत GM को भेजी और उनको कहा कि इसको देखें। GM ने कंडक्टर को बुलाया और जो शिकायतकर्ता उससे उनके मोबाइल पर बात की और फिर कंडक्टर ने उनके मोबाइल पे माफ़ी मांगी और अब इसकी रिपोर्ट मेरे पास आई है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आम जनता की ये है, इसी तरह रूप से अच्छा लगता है सर। इसी तरह से ये सुशील कुमार विंड हैं, अंबुजा सीमेंट में काम करते हैं, इनका पंचकुला का कोई ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर इशू था
तो उनकी शिकायत थी कि कर्मचारियों ने उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। मैंने तुरंत सेक्रेटरी आरटीए से बात की और व्हाट्सएप भेजा, जो मेरा एक स्टाइल है, और अब ये उनसे मेल आई है कि उनकी समस्या का समाधान हो गया है और वो बड़े खुश हैं विभाग से। तो जो पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो मैं समझता हूँ किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगता है कि चंडीगढ़ में बैठे इतने बड़े अधिकारी क्या इतनी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखेंगे कि कोई कंडक्टर आपसे दुर्व्यवहार करता है और उस दुर्व्यवहार की शिकायत की जाए और उस पर कुछ समाधान हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। ये लगातार इसी का एग्जाम्पल है। सर, ये ड्राइविंग लाइसेंस की आपने बात की, मेवात में बड़ा इशू है। मेवात में ज़्यादातर लोगों का जो रोज़गार है वो ड्राइविंग का है, लेकिन उनके लाइसेंस को लेकर बड़ी दिक्कतें हैं और उनमें बड़ी भ्रांतियाँ भी हैं, ये क्या मामला है? मेवात, जैसे आपने बताया कि वहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, तो लोगों का या तो खेती, पशुपालन या ड्राइविंग एक मुख्य पेशे के रूप में है। अनफॉर्चुनेटली पुराने समय में शिक्षा का प्रचार प्रसार ना होने की वजह से वहाँ पे लोगों में 8वीं-10वीं पास भी नहीं थे। जो मोटर व्हीकल सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, उसमें अनफॉर्चुनेटली एक ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कंडीशन है हैवी के लिए कि 8वीं पास होना आवश्यक है। ये लाइसेंस पहले इन्होंने कहीं दूसरे राज्यों से बनवा लिए थे उस समय जब ये कंडीशन नहीं थी। अब इनको रिन्यूअल में दिक्कत आ रही है और ये मामला हमारे संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार इसके बारे में कोशिश की है, तो इसमें हमने लीगल रिमेम्बरेंसर से LR से भी राय ली थी, तो उन्होंने कहा कि जब तक एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होगी तब तक ये हम इनके लाइसेंस रिन्यू नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए भारत सरकार से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से हम संपर्क में हैं। तो हम इसके लिए उनसे अनुरोध यही है कि कोई वन टाइम एग्जेम्पशन इन लोगों से मिल जाए, क्योंकि काफ़ी मेरे ख्याल से लोग इसमें 7-8 हज़ार या शायद उससे भी ज़्यादा अफेक्टेड हैं, तो ये समस्या उनकी जेन्युइन है, लेकिन दूसरी तरफ कानून इसमें आड़े आ रहा है। इससे पहले भी बहुत सारी जिम्मेवारियां आपके पास रही हैं, 34 साल से ज़्यादा हरियाणा सरकार को तकरीबन आप दे चुके हैं। मेडिकल एजुकेशन को लेकर बड़ी चीज़ें हमने सुनी है कि आपने कई सारी चीज़ें शुरू, बहुत सारा काम किया। मैं जब मेडिकल एजुकेशन में आया तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि धनपत सिंह जी, क्या ऐसा हो सकता है कि हम हर एक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खोल सकें? तो सुनने में पहले मुझे थोड़ा सा अचंभा लगा, लेकिन फिर जब मैंने गौर से देखा और हमने इस पर काम करना शुरू किया तो हमें लगा कि ये संभव है, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों को मिला के। तो सबसे पहले तो जो कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जो पहले से जिस पर काम चल रहा था, उसको हमने सही समय पे मुकम्मल करा के 2016 में हमने उसकी क्लासेस शुरू करवाई। उसके बाद हमने भिवानी मेडिकल कॉलेज के लिए शिलान्यास करवाया, जींद मेडिकल कॉलेज के लिए शिलान्यास करवाया, नारनौल मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल सरकार से कराई, नल्लड़ मेडिकल कॉलेज जो कंप्लीट हो गया था लेकिन उसमें कुछ कमियां थी वो उसको मुकम्मल कराया, और वहाँ पे अब डेंटल कॉलेज भी बनने जा रहा है। ESI का जो मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में था उसको लेके कुछ चिंताएं थी। फिर आदेश मेडिकल कॉलेज प्राइवेट जो है वो मेरे समय में शुरू हुआ। इसराना में जो मेडिकल कॉलेज है वो शुरू हुआ। एक झज्जर में गुरावड़ में जो है मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ। तो फिर मुझे लगा कि जो मुख्यमंत्री जी का ये विज़न है कि हर एक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ये संभव है। तो जैसे मैंने बताया, कुछ तो ज़िलों में ऑलरेडी इस तरह का, गुड़गांव में भी हमारी एक बड़ी एम्बिशियस प्लान है 102 सेक्टर में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेके आने की। तो उस समय में 2 साल के अरसे में मुझे स्टेबल टेन्योर मिली, राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिला, फ्री हैंड मिला, तो हम ये कर पाए। जो मनेठी रिवाड़ी में जो एम्स है, ये भी मुद्दा बहुत देर तक लटका हुआ था, तो बार बार भारत सरकार के साथ बैठकें करके, इवन मुख्यमंत्री जी और मैं और स्वयं नड्डा साहब के पास इस विषय में गए मिलने, और आखिरकार पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वो भी मंजूर हो गया है। पंचकुला के बारे में भी कहा जाता है कि काफ़ी सारे, उस दौर में जब आप डिप्टी कमिश्नर थे वहाँ बहुत सारे काम, मतलब पंचकुला एक तरह से बनाया, बन रहा था, उस दौर में बड़ा योगदान माना जाता है, उस वक्त की कुछ यादें। 1995 में जून महीने से शुरू हुआ कि पंचकुला को नया ज़िला बनाया जाएगा, और तो मुझे जुलाई के महीने में ज़िला फॉर्मली घोषित होने से पहले एक DC डेजिग्नेट कर दिया गया था, और मेरे लिए बड़ी अहम जिम्मेवारी और एक चुनौती थी कि एकदम नए सिरे से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, क्योंकि पंचकुला में उस समय ब्लॉक हेडक्वार्टर भी नहीं था।
ब्लॉक हेडक्वार्टर पिंजौर था, पंचकुला सिर्फ एसडीएम था, उससे पहले ये कालका तहसील के अंडर ही आता था। तो हमने सभी प्रशासन में सभी को सहयोग करके, विवेक अत्रे जी उस समय कालका में एसडीएम थे, चंद्र प्रकाश जी जो आजकल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं ये पंचकुला में एसडीएम थे, तो इन सबको साथ लेके सभी प्रशासन और अन्य अधिकारियों का और राज्य सरकार के सहयोग से हमने जो वर्तमान में जो मिनी सेक्रेटरीट जिसको कहते हैं इसकी बिल्डिंग शुरू करवाई और बहुत सारे जो भवन हैं वो शुरू करवाए। जिले के लिए बहुत सारे स्टाफ की रिक्रूटमेंट होती है वो हमने शुरू की, कुछ अम्बाला से हमें स्टाफ मिला, कुछ नया भर्ती करना पड़ा। मोरनी में कोई व्यवस्था नहीं थी किसी तरह से, वहाँ पे खंड विकास अधिकारी जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उसका हमने कार्यालय वहाँ पे सेटअप किया है, उनके लिए बिल्डिंग हमने बनाई। तो बहुत सारे काम ग्रामीण अंचल में बहुत सारे विकास के कार्यक्रम जिला बनने के लिए से उन्होंने गति पकड़ी। अच्छा, दर्शकों को एक और बात बता दें कि सूरजकुंड मेला अब जो पूरी दुनिया का मेला बन चुका है उसमें भी सर का बड़ा योगदान है उसको अंतर्राष्ट्रीय करने में। सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वर्ष 2011-12 में मेरे पास जिम्मेवारी थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म की, और जब सूरजकुंड मेले की बात आई, क्योंकि इसकी तैयारियां लगभग 5-6 महीने पहले शुरू हो जाती है, तो विचार आया, भारत सरकार में एक मीटिंग हुई टूरिज्म मिनिस्ट्री में, तो विचार आया कि इसको हम अंतर्राष्ट्रीय करें। तो फिर हमने विभिन्न जो इनके एम्बेसीज हैं, हाई कमीशन्स हैं, वहाँ पे हमने इनके मिशन्स हैं वहाँ पे हमने संपर्क किया, और लकीली बहुत सारे थाईलैंड उस साल पार्टनर नेशन था, थाईलैंड एम्बेसी से हमने सहयोग किया, और जो ये CIS स्टेट्स हैं जो रशिया से अलग हुए हैं इनके बहुत सारे अच्छा हमें रिस्पांस मिला। तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सब से जो है हमें पार्टिसिपेशन मिली, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ से हमें पार्टिसिपेशन मिली, और इस प्रकार इसको हम इंटरनेशनल मेले का स्वरूप दे पाए। 1997 में एक ऐसी दिक्कत होती थी कि किसान पूरे साल मेहनत करता था लेकिन उसकी मेहनत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि रखने की, खाद्यान्न पैदा तो हो गया उसे रखने की व्यवस्था उस दौर में नहीं होती थी। उस दौर में सर आपके पास जिम्मेवारी थी कि FCI के SRM थे, उस चुनौती से कैसे निपटे आप? हर एक IAS अधिकारी का ये सपना होता है कि उसकी केंद्र में प्रतिनियुक्ति हो, भारत सरकार में पोस्टिंग हो। तो मुझे भी 1997 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हरियाणा रीजन की जिम्मेवारी मिली थी, और स्टोरेज की हमारे काफ़ी दिक्कत थी, और रेलवे मूवमेंट और रोड मूवमेंट भी उतनी नहीं हो पाती थी जितनी प्रिक्योरमेंट, जितना माल मंडी में आता था। तो फिर हमने FCI ने एक स्कीम निकाली थी कि किराए पर कैप, जिसको कवर्ड एरिया एंड प्लिंथ बोलते हैं, जो ओपन में काले पॉलीथीन के नीचे स्टोर करते हैं, तो व्हीट के लिए कैप के लिए बहुत सारे हमने लोगों से अनुबंध करके व्यवस्था करवाई, और बहुत सारी कवर्ड स्टोरेज कैपेसिटी भी हरियाणा वेयरहाउसिंग, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन और हैफेड और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के सहयोग से बहुत सारी कवर्ड कैपेसिटी भी कराई ताकि चावल को हम उसमें स्टोर कर सकें। तो बड़ा मुश्किल का दौर था 1997 से 2001 का, लेकिन सभी एजेंसियों के सहयोग से और राज्य सरकार के खाद्य पूर्ति विभाग के सहयोग से हम उस कठिनाई को पार पा सकें। या एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर सर ने ये मुकाम कैसे हासिल किया, प्रेरणा क्या रही, वो सारी बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, 1985 बैच के IAS अधिकारी और ट्रांसपोर्ट के ACS धनपत सिंह जी के बारे में हम लगातार काम के बारे में तो जान ही रहे हैं, उनके बारे में और ज़्यादा जान लेते हैं। सर, किताबों का बड़ा शौक लगता है आपको, पूरी मतलब एक तरह से लाइब्रेरी सी बनी हुई है आपके यहाँ। मुझे शौक है, पहले स्कूल में, कॉलेज में हिंदी लिटरेचर का बड़ा शौक था, और पर चांस हिंदी लिटरेचर मेरे पास सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी हिंदी लिटरेचर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, और उसके बाद जैसे सर्विस में आए तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की मोटिवेशनल बुक्स और इंग्लिश फिक्शन का भी पढ़ने का शौक हुआ। तो ये अधिकतर किताबें मेरी अपनी खरीद की हुई या बच्चों की खरीद की हुई है, और वो
जब भी समय लगा वो पढ़ के यहाँ पे रखी हुई हैं। तो पढ़ने से काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस होती है किसी भी किताब पढ़ने से, और दुनिया में सभी जगहों पे आप जा नहीं सकते, तो किताब के जरिए आप बहुत सारी जगहें भी आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप वहाँ होकर आए हैं। सही बात की। अच्छा, कभी लिखने का भी शौक हुआ सर पढ़ने के साथ साथ? बहुत सीरियस कुछ ऐसा नहीं लिखा, छोटा मोटा कभी कुछ उखेरा, लेकिन कोई पब्लिश नहीं हुआ एक्सेप्ट स्कूल कॉलेज मैगजीन्स के अलावा, तो ऐसा कोई सीरियस राइटिंग नहीं। लेकिन देखिए, बाद में कभी समय मिलेगा तो शायद वो भी कोशिश करेंगे। इंतज़ार रहेगा आपकी लिखने का। अच्छा, एक और चीज़ हम दिखा रहे हैं आपको, ये पेंटिंग्स। हालांकि इतने बड़े शानदार ढंग से घर को सजाया हुआ है, लेकिन पेंटिंग्स ने भी एक अलग ही नज़ारा बनाया हुआ है। मैम से तो मिलाएंगे ही आपको, अपने दर्शकों के लिए बता दें, ये इनके बारे में बताइए सर। ईरा ने बनाए हैं, सर की बेटी हैं। बड़ी मेरी बड़ी बेटी है ईरा, वो काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है और वो कुछ कुछ ड्रॉ करती रहती है, किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल में नहीं बंधी हुई है। लेकिन एक उन्होंने अभी लेटेस्ट जो एक आर्ट डेवलप की है, किरीगामी, जो जैपनीज आर्ट ऑफ पेपर कटिंग, तो उसका एक नमूना मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में उसका कैलीग्राफी में बड़ा इंटरेस्ट है। सर, लगातार पेंटिंग के बारे में जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे और आपको बता रहे थे, ईरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ईरा जी की ही ये क्रिएटिविटी है, और बड़ी शानदार बात जो सर के बर्थडे पर उन्होंने लिखी अपनी राइटिंग में, ये कविता वो भी आपको दिखा रहे हैं। 50th बर्थडे था, स्पेशल था, कुछ सरप्राइज भी प्लान करना था और पापा से कोई बात छुपती नहीं है, तो ये एक चीज़ ऐसी है जिस पे ज़्यादा ध्यान नज़र नहीं जाती है। तो सारी बचपन की जो भी यादें हैं उनको दिमाग में रखते हुए लिखा था, और अच्छी चीज़ ये कि सबको पसंद आया तो कॉन्फिडेंस आया, फिर बना के दिया तो पापा को भी अच्छी लगी, तभी दीवार पर भी लगी रहती है आजकल भी। सर, ये हम एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि IAS में आने की प्रेरणा क्या थी? IAS में आने की प्रेरणा मेरे बड़े भाई साहब से मुझे मिली, जो श्री चंद्रभान जी, जो हमारे गांव के पहले ग्रेजुएट हैं। वो सिविल सर्विसेज में आना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेवारियों की वजह से कुछ हालात ऐसे रहे कि वो नहीं आ पाए, और वो चाहते थे कि भी मैं सिविल सेवा में आके परिवार का भी नाम रोशन करूँ, लोगों की अच्छे से सेवा करूँ, और जो मेरा टैलेंट है पूरा उसका मैं उपयोग कर सकूँ। तो ये बड़ी चीज़ होती है कि परिवार से कोई ना कोई वैल्यू या कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है। लेकिन इस तरह की स्थिति में अगर बात करें तो हम ये सवाल एक रहता ही है। दरअसल लोगों के जहन में कई सारी बातें रहती है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी में वक्त की बड़ी कमी होती है, और बात करें कि जब भी समय मिलता है तो किस तरह से आप लोग बिताना पसंद करते हैं? एक्चुअली काम होता है, सभी को ही होता है, सारे ऑफिसर्स का यही रूटीन होता है, पर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो टाइम निकाल लेते हैं फैमिली के लिए भी, फ्रेंड्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, जब भी उनके पास टाइम हो वो उसमें, फिर उस टाइम में वो काम की बात नहीं करते हैं बिल्कुल। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, कई बार ऐसे काम आ जाते हैं, शिकायतें हो जाती हैं, बच्चों में भी है, फैमिली में भी है, सब में है, कि कई बार ऐसा कुछ काम आ गया तो उस टाइम पे तो टाइम नहीं मिल पाता है, पर उसको वो बाद में कंपनसेट कर देते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, बच्चों को स्कूल छोड़ाना, ले आना, उनके होमवर्क का भी ध्यान देना, अगर लेट हो गए हैं तो आके भी होमवर्क चेक कर लेना किया है कि नहीं किया है, उनकी हर छोटे से छोटी एक्टिविटी में उन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया है, कोई मतलब रिग्रेट नहीं है बच्चों को कि कोई ऐसा टाइम रहा हो जब पापा हमारे साथ ना, ऐसा कभी नहीं। ये सर, ये जो बैलेंस बनाने की कला है, मतलब काम के साथ भी, फैमिली के साथ भी, समाज के साथ भी, तो ये अनुभव होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, क्या है? क्योंकि आजकल ये बड़ी स्थिति है, ये बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप शायद सोचें मैं शायद थोड़ा ओवर उसको कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नेचुरली आया। घर में हम देखते थे कि इतना बड़ा परिवार था, हम 5 भाई 5 बहन हैं, और फिर मेरे चाचा के, दोनों चाचा के परिवार भी थे। मेरी माँ अपाहिज होते हुए भी 22 लोगों का खाना ये करना सब करती थी, तो मुझे ये सब लगता कि ये सब जिम्मेवारियाँ भी साथ साथ चलती हैं, और जो अपना ऑफिस का काम है वो भी साथ साथ चलता है, तो ये बिल्कुल नेचुरली मुझे आता गया।
और ऐसे कोई मैं बोझ समझ के या कोई उत्तरदायित्व समझ के नहीं, सब सहज रूप से हो पाता है। मैम एक और बात जानना चाहेंगे आपसे कि ये बड़ी अच्छी खासियत है कि सभी चीज़ों में बैलेंस बनाए रखते हैं, और क्या अच्छा लगता है सर की खासियतों की बात करें? एक्चुअली उनका नेचर ही ऐसा है कि वो हर एज में मिक्सअप हो जाते हैं, बच्चों के साथ बच्चों की तरह, बारिश में नहाने की बात आएगी वो भी करेंगे, उनके साथ गेम खेलना है वो भी खेलेंगे, पेड़ पर चढ़ने की बारी आए वो भी कर लेंगे, और यंगस्टर्स के साथ भी उसी तरह से। मतलब हमारी फैमिली में किसी भी एज ग्रुप में ऐसा कोई नहीं है जिनकी गणपत के साथ ना बनते, और मुझे लगता है उनका एनर्जी जो है वो शायद वहीं से ही आती है कि काम उसके बाद फैमिली, वो इन दो चीज़ों में बैलेंस करके चलते हैं। और अगर कभी थक गए हैं काम में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है, तो उसके बाद घूमने जाना है, मूवी देखना हो, छोटी छोटी चीज़ों में उनको बहुत खुशी मिलती है, वो शायद उनका एनर्जी उसी से वापस आती है। और एक बात और सर, ये फिल्मों का शौक़ भी? हाँ, हिंदी फिल्में देखते हैं और कार्टून मूवीज़ होती है वो भी बच्चों के साथ, पहले जाते थे जब बच्चे छोटे थे, अब कई बार 3D मूवी लगती है तो देखते हैं, इंग्लिश मूवी वो देखते हैं, हाँ पंजाबी मूवी भी कभी कभी मैं देख लेता हूँ, मुझे तो समझ आ जाती है। अच्छा भाई, कई सारी खासियतें आपने सर की गिनाई, कुछ कमियां भी रहती हैं। आपको लगती है कि कुछ कोई ऐसी चीज जिसमें सुधार की जरूरत हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है अभी तक तो नहीं है। एक्चुअली ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकती, कभी कभी ये होता है कि वो ऑफिस की कई चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनके रिएक्शन कई बार थोड़ा सा लाउड हो जाते हैं, तो तब हम लोग सब घबरा जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि उनको गुस्सा आता नहीं है और किसी भी चीज़ पे नहीं करते, पर हम लोग समझते हैं कई बार ऑफिस में, जैसे अभी ये जो स्ट्राइक का था उस समय हम लोग कई बार नोटिस करते थे कि रात को भी उठ के बैठे हुए हैं और उसके बाद फिर कुछ मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो उनको सुबह की वो चिंता रहती थी कि सुबह सभी स्टे मतलब जिलों में सब ठीक होना चाहिए। ये एक सवाल हमारा होता है कि अमूमन आपने इतने लंबा आपका करियर रहा और जित उस दौर में प्रिपरेशन का जिस तरह से रहता है एस्पायरेंट्स के लिए, कि किन बातों का वो ध्यान रखें कि कामयाबी हासिल कर सकें UPSC के लिए? देखिए, चाहिए क्लिशेड बात लगे, बार बार कही हुई बात लगे, लेकिन बचपन में जो खरगोश कछुए की कहानी सुनी थी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक दिन में मैं सोचूं कि मैं 14 घंटे पढ़ लूं, 16 घंटे पढ़ लूं और दूसरे दिन मस्ती करूं, फिर तीसरे दिन 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लूं, मैं बच्चों को भी हमेशा यही कहता रहा हूं कि जो भी आप कम करें रोज़ करें, थोड़ा थोड़ा करें। और ये सीख भी बचपन से ही मुझे अपने बड़े भाइयों से मिली कि 31 मार्च को जब रिज़ल्ट आता था, गाँव हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े, तो कई बच्चे आके बस्ता उछाल देते थे, पुरानी कापियां किताब फेंक देते थे और कि अब तो अगले कई महीने तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें बड़े भाई साहब उस दिन रिज़ल्ट आने के बाद भी आते ही पुरानी कापियों में से पेजेज जो बचे हुए वो फाड़ के और नई कापी सिलना, उसके लिए पुरानी बुक्स को भी करीने से रखना, और उस दिन भी रात को 31 मार्च को भी चाहे 2 घंटे पढ़ें 3 घंटे पढ़ें, गाँव में मिट्टी तेल की डिबिया में तब भी हम पढ़ते थे, 1 अप्रैल को भी पढ़ते थे, 2 अप्रैल को भी पढ़ते थे, मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं है चाहे बीमार हो या कि बिना पढ़े कभी स्कूल या कॉलेज टाइम में बिना पढ़े सो गए हो कि भी आज बिल्कुल किसी किताब को या कापी को हाथ नहीं लगाना। तो मैं जो नए एस्पायरेंट्स हैं और ख़ासतौर पर सिविल सेवा परीक्षा जो है 3 चरणों की होती है और इसमें बहुत कंसिस्टेंसी, बहुत हार्डवर्क चाहिए होता है, लक का तो खैर अपना है लेकिन हार्डवर्क सबसे पहले मैं कहूँगा, तो रोज़ मेहनत करें, रोज़ का काम रोज़ करें और धीरे धीरे करके, जो जैसे कहते हैं ना, अ जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट्स विद अ स्टेप, तो रोज़ अपना थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम तय कर पाते हैं उस जर्नी को। ये दरअसल सर कह रहे हैं कि उनके लिए ये हो सकता है कि बार बार की बात हो, लेकिन सच में अभी तक जितनी भी बात की हैं ये बात कमी सामने आई कि हमें रेगुलर मेहनत को लगातार करते रहना चाहिए, एक दिन में ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ लिए और अगले दिन कुछ नहीं, ये बड़ी चीज़ है।
और ये सफलता की कुंजी भी है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आँखों ने जो हमारे बुजुर्ग और बड़ों के लिए सम्मान होता है वो बड़ी चीज़ दिखाई। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।